हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। लेकिन भैया आखिरकार जो ये नए राजा हैं वो आते कहाँ से थे और ये नए नए किंगडम्स बनते कैसे थे? बुक के अंदर हमें जो मैप दिया हुआ है वहीं से शुरुआत होती है इस चैप्टर की। ये जो आपको ग्रीन वाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पर चमांस देखने को मिलते थे जिनको आज चौहान्स के नाम से जाना जाता है, तो ये उनका किंगडम था। ये जो पिंक वाली जगह दिख रही है यहाँ पर पालास थे, अब यहाँ पर राष्ट्रकूतास थे, ये जो आपको ऑरेंज वाली जगह दिख। लेकिन ये जो डार्क ऑरेंज ऑरेंज कर रखा है, इनके बाहर हाइलाइट सी कर रखी है, ये क्यों करी हुई है? ये क्या थे? इन जगहों के बॉर्डर। जैसे राष्ट्रकूतास का ये बॉर्डर था, चमांस का ये बॉर्डर था और पालास का ये बॉर्डर था। अब देखो क्या होता था, ये जितने भी किंग्स थे और जो भी इनके ये किंगडम थे इतने बड़े बड़े, ये लोग बार बार एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। लड़ाई करने का कारण क्या था? कोशिश करते थे किंग्स बार बार कि अपनी ज्यादा से ज्यादा जमीन ये कब्जे में कर ले, ज्यादा से ज्यादा जगह इनके किंगडम में हो। तो इसी वजह से यहाँ पर ये डार्क ऑरेंज कलर का हमें बॉर्डर दिया हुआ है, बार बार बॉर्डर की शेप चेंज होती रहती है। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन भैया जो हमारी ज्योग्राफी की बुक के अंदर मैप दिया हुआ है उसके अंदर तो ये सारी चीजें लिखी हुई ही नहीं है। जो आपकी ज्योग्राफी की बुक में मैप दिया हुआ है वो इंडिया का मैप है। लेकिन ये भी तो इंडिया का ही मैप है। नहीं, इंडिया तो तब फॉर्म ही नहीं हुआ था। ये हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के बनने से बहुत सालों पहले की, कि तब इंडिया के ऊपर कौन रूल किया करता था और तब पता है इंडिया को क्या बोला जाता था? सब कॉन्टिनेंट, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। देखो हम डायनेस्टीज के बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं, कैसे नई डायनेस्टीज हैं। अब डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? जैसे एक किंग है, अब किंग की डेथ हो गई तो उसके बाद कौन बनेगा रूलर? किंग का बेटा बनेगा। अब वो जो किंग का बेटा रूलर बनाता उसकी भी डेथ हो जाती है तो उस बेटे का जो बेटा होगा वो बनेगा रूलर। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं हम लोग डायनेस्टी। तो ऐसी बहुत सारी नई डायनेस्टीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, कैसे न्यू डायनेस्टीज फॉर्म हुई। लेकिन भैया अभी अभी हमने मैप में देखा इतने बड़े बड़े किंगडम थे राजा के पास, तो अकेले राजा इतने बड़े बड़े किंगडम्स को कैसे संभाला करते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मोटूलाल तुमने। राजा इतने बड़े किंगडम्स को कैसे संभालते थे? बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। मान लो ये राजा है, ये इसका पूरा किंगडम है जो ब्लैक बॉक्स आप देख रहे हो। अब इस किंगडम के अंदर कुछ जगहें होती थी, जो आप ये सर्कल में देख रहे हो कुछ जगहें, इनको ये राजा कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों को दे देता था जिनको राजा बोलता था सब ऑर्डिनेट। ये मेरी क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। ये लोग क्या है? सब ऑर्डिनेट्स हैं या फिर समन्स। इन लोगों का काम होता था इस जगह को कंट्रोल करना और राजा जो भी आदेश दे रहा है उस चीज को फॉलो करवाना इस जगह पे। अच्छा, ये लोग राजा को खुश रखने के लिए समन्स राजा के लिए गिफ्ट भी लाया करते थे। कोई गोल्ड ला रहा है, कोई खाने पीने की चीजें ला रहा है, तो राजा भाई साहब बहुत खुश रहते थे। राजा अपनी कुछ ड्यूटीज भी इन लोगों को दे देते थे। बोलते थे कि यहां पर अपनी मिलिट्री रेडी कर लो, हम लोग जंग लड़ने के लिए जाएंगे तो तुम लोग अपनी मिलिट्री को हमारे पास भेज देना। तो इस तरीके से जो राजा था वो क्या करता था, इन समन्स की हेल्प से अपना काम भी करवा लिया करता था। तो अब ये जो समन्स थे ना, इनमें भी रैंक थी। जैसे अगर कोई छोटी सी जगह को कंट्रोल कर रहा है तो वो एक नॉर्मल समन्स हुआ, अगर कोई थोड़ी बड़ी जगह को कंट्रोल कर रहा है तो उसको बोलेंगे महासमन्स, और कोई बहुत ही बड़ी जगह को कंट्रोल कर रहा है तो उसे बोलेंगे महामंडलेश्वर, द लॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जो बहुत ही बड़ी जगह को कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी समन्स इतने पावरफुल हो जाते थे, मतलब इनके पास इतनी ज्यादा आर्मी हो जाती थी कि ये राजा के ऊपर ही हमला कर देते थे और उसकी पूरी जगह को अपना कंट्रोल में ले आते थे। तो आप समझ रहे हो कि कैसे ये पूरा सिस्टम चलता है और कैसे अकेला राजा इतने बड़े किंगडम को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।
राष्ट्रकुता एम्पायर की बात करते हैं। देखो ये इतना बड़ा एम्पायर था, कर्नाटका वाली साइड में ही एम्पायर था लगभग, ठीक है। जो राष्ट्रकुता थे ये डेक्कन के अंदर किसके सबॉर्डिनेट थे? चालुक्यास के। मतलब क्या कि यहाँ पर राजा कौन था राष्ट्रकुता वाली रीजन पे? पहले चालुक्य। तो ये चालुक्य एक तरीके से राजा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मिड 18th सेंचुरी के अंदर एक दंती दुर्गा नाम के चीफ आते हैं राष्ट्रकुता। राष्ट्रकुता के एक चीफ होते हैं दंती दुर्गा। ये डिसाइड करते हैं कि अब से हम लोग चालुक्य के अंडर काम नहीं करेंगे, ये जो चालुक्य वाला राजा है इसे हटा देंगे और पूरी जगह अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो ऐसा ही होता है, ये क्या करते हैं ओवर थ्रू कर देते हैं अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को और इस जगह को कंट्रोल करने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रकुट, ठीक है। ये लोग जब इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, इसके बाद एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, एक पूजा पाठ टाइप परफॉर्म करते हैं। और ये जो पूजा पाठ टाइप होती है इसे बोला जाता है हिरण्यगर्भा। अब ये हिरण्यगर्भा क्यों परफॉर्म करा जाता है? अरे भैया दो मिनट, ये राष्ट्रकुटा के बारे में एक और बार समझा दो, फिर समझाना आप हिरण्यगर्भा के बारे में। देखो ये जो आपको राष्ट्रकुटा एम्पायर दिख रहा है ये बना कैसे? पहले इस जगह को रूल कौन करता था? इस जगह को रूल किया करते थे चालुक्यास। चालुक्यास इस जगह को रूल करते थे। मान लो ये है चालुक्य ग्रीन ड्रेस में, ये इसकी पूरा किंगडम है, इस जगह को ये रूल कर रहे हैं। अब यहीं पर क्या था? यहीं पर इसका एक सबॉर्डिनेट था। सबॉर्डिनेट का नाम क्या था? सबॉर्डिनेट थे कौन? राष्ट्रकुटा। राष्ट्रकुटा एक सबॉर्डिनेट थे। ये क्या करते थे? यहाँ पर अपने अच्छे से ये जो इनकी जगह थी इसे संभालते थे। राष्ट्रकुटा वालों ने लेकिन डिसाइड करा कि हम लोगों के पास तो आर्मी भी है, हम पावरफुल भी हैं, तो फिर हम लोग चालुक्यास के अंडर काम क्यों करें? ये जो चालुक्य वाला किंग है इसको हटाओ और हम लोग अब इस जगह को कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज़ किसने डिसीजन लिया था? ये सारा दंती दुर्गा नाम के एक राष्ट्रकुटा के चीफ थे जिन्होंने डिसीजन लिया, और जो उनका चालुक्य किंग था इसको हटा दिया, चालुक्य ओवरलॉर्ड को हटा दिया और इस पूरे किंगडम को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यहीं से हमारे जो आपको देखने को मिलता है राष्ट्रकुटा एम्पायर, वो उसका फॉर्मेशन होता है। अब ये लोग जब इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो एक ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसे हिरण्यगर्भा बोला जाता है। व्हाट इज हिरण्यगर्भा? देखो हिरण्यगर्भा के अंदर क्या होता है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि क्षत्रिय नहीं है वो क्षत्रिय बन जाता है आफ्टर परफॉर्मिंग दिस रिचुअल। अब क्षत्रिय बनना क्यों जरूरी था? अरे भैया इस चीज का जवाब तो मुझे पता है, उस समय लोग क्षत्रियों की बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे, इसीलिए इन राष्ट्रकुटा वालों को क्षत्रिय बनना बहुत जरूरी था। लेकिन ये क्षत्रिय बने कैसे? क्षत्रिय बनने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता था हिरण्यगर्भा, जिसको गोल्डन वूम्ब के नाम से भी जाना जाता था। इस रिचुअल को कुछ पंडित करते थे, इस पूजा पाठ को कुछ पंडित करते थे, उसके बाद ये राष्ट्रकुटा वाले फाइनली क्षत्रिय बन गए। हिरण्यगर्भा वाली रिचुअल को और भी बहुत सारे रूलर्स ने परफॉर्म करा था और वो भी क्षत्रिय बने थे, जैसे कडम्बा मयूशर्मन, जो कि बाद में राष्ट्रकुटा के बाद में इस जगह को रूल किया करते थे, वो भी उन्होंने भी यही रिचुअल परफॉर्म करा था हिरण्यगर्भा वाला। और गुजारा प्रतिहारा हरिचंद, जो कि क्या थी, एक और डायनेस्टी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्राउन कलर में है, यहाँ पर ये लोग रूल किया करते थे इस जगह को। तो ये लोग भी क्या थे, इन लोगों ने भी बाद में डिसाइड करा कि हम लोग क्या बनेंगे, क्षत्रिय बन जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, अपना जो ब्राह्मण थे ये ओरिजिनली ब्राह्मण वाली चीज को छोड़कर इस ट्रेडिशन को परफॉर्म करके, इस रिचुअल को, हिरण्यगर्भा वाले रिचुअल को परफॉर्म करके ये लोग भी क्या बन गए थे, क्षत्रिय बन गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, अब ये जितने भी किंगडम थे यानी कि जितने भी राज्य थे, इनके अंदर सारी चीजें कैसे वर्क किया करती थी? एक तो हमने देखा कि ये जो समन्स वाला सिस्टम था ये वर्क करता था, राजा है उसका इतना बड़ा किंगडम है, कुछ जगहें उसने लोगों को कंट्रोल करने के लिए दे दी, और ये लोग जो इन जगहों को कंट्रोल करते थे इन्हें समन्स बोल देते थे राजा। इन लोगों का काम क्या होता था? पैसे वगैरह देखना, कलेक्ट करना, आर्मी यहाँ पर रेडी करना, ये सारा इनका काम होता था। अब आखिरकार ये जो राजा है इसके पास पैसे कैसे आते थे? तो राजा पैसे कमाता था इन द फॉर्म ऑफ रेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ऑल्सो। टैक्स की फॉर्म में फार्मर से कैसे राजा पैसे लेता था? अब ऐसे समझो एक बहुत बड़ी ज़मीन है जहाँ पर लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब खेती बाड़ी करने के बाद लोगों ने बहुत सारे गेहूँ उगाए, दो बोरे गेहूँ उगाए, तो राजा बोलता था कि एक बोरा तो तुम्हारा और एक बोरा टैक्स के तौर पर मैं ले रहा हूँ। अब इसको टैक्स समझो, रेंट समझो, जो समझना है समझो, ये एक मेरा हो गया। तो इस तरीके से राजा क्या करते थे, अपने खाने पीने का इंतजाम करते थे।
कैटल के कीपर्स होते थे, जैसे जो लोग गाय या भैंस को पाला करते थे उन सब से भी टैक्स लेते थे, आर्टिशियन से भी टैक्स लेते थे और ट्रेडर्स से भी, ठीक है। अब ये जो पैसे आते थे आखिरकार ये इस्तेमाल कहाँ होते थे? राजा अपना बढ़िया सा महल बनवाते थे, साथ ही में सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाते थे, जंग की तैयारी करते थे इस पैसे से। अब जब राजा जंग की तैयारी करते थे तो उससे क्या होता था? जब राजा जंग करते थे ना, ये देखो दूसरी जगह जाकर राजा ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पर जो भी सोना चांदी या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इनको क्या कर लेते थे राजा? चुरा लेते थे। अब चुराने वाली चीज़ को ही हम लोग प्लंडर बोलते हैं, ठीक है। चुरा लेना, यहाँ से सारी चीज़ें हथिया ली, ठीक है। और जो भी यहाँ की ज़मीन पर उगने वाले क्रॉप्स हो गए, जो भी यहाँ के एनिमल्स हो गए, वो सब भी राजा अपने कंट्रोल में ले लेते थे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि राजा पहले ज़माने में पैसे कैसे कमाते थे, दूसरी जगहों पे अटैक करके वहाँ की चीज़ें कब्जा लेते थे, ठीक है। तो यही कुछ सिस्टम पहले वर्क किया करता। लेकिन भैया ये जो फार्मर से टैक्स लेने का काम है, क्या राजा खुद अलग अलग फार्मर के पास जाता था टैक्स लेने के लिए? नहीं, राजा कहीं पर भी जाकर खुद टैक्स कलेक्ट नहीं करता था, वो अपनी फैमिली में से ही किसी को ये ड्यूटी दे देता था कि वहां पर जाओ उस आदमी से जाके टैक्स ले आओ, ठीक है। या फिर अगर कोई राजा की जान पहचान के लोग हुए जो कि उसके दोस्त वगैरह हैं, उनको ये ड्यूटी दे दिया करता था। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। अब जो राजा होते थे ना, वो अपने बारे में तारीफ सुनना बहुत पसंद करते थे और वो चाहते थे कि बाद में भी अगर कोई उनके बारे में कुछ जाने तो उनको ये लगे कि अरे वो राजा थे, बड़े महान थे। तो राजा प्रशस्तीज पे अपनी जो भी डिटेल होती थी वो लिखवाते थे। अब प्रशस्ति कुछ इस तरीके की कॉपर प्लेट्स होती थी जिनके ऊपर राजा के बारे में लिखा जाता था। अब सोचो जब राजा के बारे में लिखा जा रहा है और राजा ही लिखवा रहा है, तो राजा तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवाएगा ना अपने बारे में कि मैं बहुत महान हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं पाया, चाहे वो राजा चूहे से डरता हो। अब इन प्रशस्तीज के ऊपर लिखने का काम कौन करते थे? ब्राह्मण्स करते थे। अब ब्राह्मण्स वही सारी चीज़ें लिखते थे जिससे राजा खुश हो जाए। राजा खुश हो जाता था, बोलता था अरे मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दी तुमने प्रशस्ति के अंदर, चलो ठीक है मैं खुश हुआ और मैं तुम्हें बहुत सारी ज़मीन देता हूँ। तो क्या होता था कि जनरली ब्राह्मण्स राजाओं की तारीफ लिख देते थे प्रशस्ति के अंदर और उसके बदले राजा उन्हें बहुत सारी जमीन दे दिया करते थे, बहुत सारा लैंड दे दिया करते थे। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि पैसों के लिए लड़ाई। अरे भैया पैसों के लिए लड़ाई तो मेरी और मेरी बहन की होती है, इतने बड़े बड़े राजा भी पैसों के लिए लड़ते थे? बिल्कुल मोटूलाल। एक कन्नौज नाम का टाउन है जो कि गंगा रिवर के नज़दीक ही है। अब गंगा रिवर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर अच्छी खासी खेती बाड़ी करी जा सकती है। जब आप अच्छी खासी फार्मिंग करोगे तो जो क्रॉप्स हैं उनको आप सेल भी कर सकते हो और सेल करके पैसे कमा सकते हो या फिर उन क्रॉप्स को खाने के इस्तेमाल में भी ले सकते हो। तो यकीन नहीं होगा तुम्हें कि जो गुजारा प्रतिहारा थे डायनेस्टी के लोग, ये भी कन्नौज वाली जगह के लिए लड़ते थे। जो राष्ट्रकुता वाले लोग थे ये भी कन्नौज वाली जगह के लिए लड़ते रहते थे और जो पालास थे ये भी कन्नौज वाली जगह के लिए लड़ते रहते थे, क्योंकि ये जो जगह थी ये वाकई में बहुत ही अच्छी जगह थी। अब ये जो तीनों की लड़ाई होती रहती थी इसी को हमने बोला है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। अफगानिस्तान के अंदर गजनी वाली जगह है, वहाँ के एक बहुत ही महान रूलर थे जिनका नाम था सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद इतने महान रूलर थे कि 1997 से 1030 तक इन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर अपना कब्जा जमाया। सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अपना कंट्रोल करा। अब देखो इतने पावरफुल रूलर थे, इतनी सारी जगहों पे अपना कब्जा जमा रहे थे, तो पैसा भी बहुत सारा चाहिए। पैसा चाहिए जिससे कि ये आर्मी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसे दे सके, सैलरी दे सके, खिला पिला सके। तो ये पैसा कहाँ से लेकर आते थे? इन्होंने क्या करा था, इन्होंने डिसाइड करा था कि हम लोग वेल्दी जो भी टेंपल्स हैं, मतलब जितने भी मंदिर हैं जहाँ पर बहुत सारा खजाना है, पहले ज़माने में मंदिरों में खजाना रखा जाता था, हम उन मंदिरों को उन टेंपल्स को अटैक करेंगे। तो ऐसा ही करते हैं जो सुल्तान महमूद होते हैं गजनी वाली जगह के, वो ज़्यादातर टेंपल्स के ऊपर अटैक करते हैं। एक सोमनाथ टेंपल है गुजरात के अंदर, बहुत फेमस है, उसके ऊपर भी इन्होंने अटैक करा था। अटैक करने के बाद वहां से सारा सोना वोना चुरा लिया था और अपनी आर्मी को और पावरफुल करा था, ठीक है। अब सुल्तान महमूद की एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, इंटरेस्टिंग सी बात क्या थी इनके बारे में, कि जिस भी जगह पे अटैक करते थे और जिस भी जगह के ऊपर ये अपना कब्जा जमाते थे,
वहां पर ये क्या करते थे कि जैसे जिस राजा के ऊपर इन्होंने अटैक करा, ये जानना चाहते थे कि ये जो राजा है इसका फाइटिंग स्टाइल क्या है, इसके दादा कौन थे, इसके परदादा कौन थे। पता नहीं क्यों उनके इतने पुरानी पुरानी हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट था। तो इन्होंने एक अपना बंदा रखा जिसका नाम था अल बिरानी। इसको बोला कि भाई अल बिरानी, तुम्हारा काम यही है कि जिस भी जगह पर मैं जाऊँगा, जहाँ पर भी अटैक करूँगा, जहाँ पर भी मैं जीतूँगा, उस जगह के राजा के बारे में सारी डिटेल निकालना कि उसके दादा कौन थे, उसके परदादा कौन थे, सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और एक किताब के अंदर लिखो। उस किताब का नाम लिखा किताब उल हिंद। तो इंडिया के बारे में इतने सारे राजाओं की जो हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इतनी सारी हिस्ट्री जानते हैं राजाओं के बारे में कि यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन रहता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किताब उल हिंद की हेल्प से भी मिलती है। तो हिस्टोरियंस के लिए ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई और इसी किताब की मदद से हमने बहुत सारे राजाओं की डिटेल और इन्फॉर्मेशन भी जान। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चमांस और द चौहान्स। सबसे पहले इनका किंगडम देख लेते हैं। ये देखो, ये इतना बड़ा किंगडम ये रूल किया करते थे। अब सोचो जो भी राजा है या फिर जो भी रूलर है वो क्या चाहता था कि मेरा किंगडम बड़े से बड़ा हो। तो इन्होंने भी यही सोचा। ये रूल कौन सी जगह को, कंट्रोल कौन सी जगह को कर रहे थे, जो दिल्ली और अजमेर वाली जगह है यहाँ पर ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग अपनी जगह को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, हम लोग अपना किंगडम और बड़ा बनाएंगे। इन्होंने डिसाइड करा कि जो गुजरात वाली जगह है, अभी प्रेजेंटली हम लोग गुजरात बोलते हैं जिस जगह को, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जब इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी तो जो वहाँ का राजा है ऑलरेडी, वहाँ पर कौन रूल कर रहे थे, चालुक्यास रूल कर रहे थे, उन्होंने इन्हें कड़ा मुकाबला दिया, इनसे अच्छी खासी जंग लड़ी। गढ़वाल्स जो थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वहां पर इन्होंने उत्तर प्रदेश वाली साइड में भी अटैक करा, वहां पर भी अपना किंगडम लेने की कोशिश करी। तो जो गढ़वाल्स थे यहां पर, गढ़वाल्स थे, इन्होंने भी इनके ऊपर उल्टा हमला कर दिया। अगर आप किसी राजा के ऊपर अटैक करने जाओगे, ऑब्वियसली बात है कि वो भी तो आपके ऊपर हमला करेगा। तो यही चीज हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि जो बेस्ट चौहान जाने जाते थे, चौहान रूलर, उनमें से एक थे, वो कौन से थे, पृथ्वीराज थ्री, वन ऑफ द बेस्ट रूलर इन्हें माना जाता था, ठीक है। इनका आपको ये बताया गया कि इन्होंने किसको डिफीट करा था, ये बेस्ट रूलर क्यों माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी को डिफीट करा था। तो पृथ्वीराज थ्री ने किसको डिफीट करा था, सुल्तान मोहम्मद गौरी को। लेकिन अगले साल ही ये सुल्तान मोहम्मद गौरी को दया करके छोड़ देते हैं कि जाओ सुल्तान मोहम्मद गौरी, अगले साल ही। लेकिन सुल्तान मोहम्मद गौरी उनके ऊपर दोबारा अटैक करता है और अगले साल ही उससे हार जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। अगर आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको ये पूरी स्टोरी ही बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अरे भैया, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर तो छोला एम्पायर के बारे में पढ़ाया गया है ना। छोला एम्पायर का तो नाम सुनते ही मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर गया। भैया मैं जाता हूँ छोले भटूरे खाने फटाफट। अरे मोटूलाल, तुम्हें हर समय खाने की सूझती है, फटाफट ये चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद खाने पीने चले जाना। अब हम देखते हैं चोलाज के बारे में। देखो जो चोलाज हैं उनका पूरा एम्पायर कैसे फॉर्म हुआ ये जानेंगे। तो आपकी बुक में एक ये मैप दिया हुआ है, इसमें आपको दो जगह पर ध्यान देना है, उरुवेयर और थंजावुर। ये देखो ये दोनों जगह मार्क्ड है, इन पे ध्यान देना है बस, ठीक है। अब आपने इन दोनों जगहों को देख लिया, आप कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। देखो ये जो आपको पूरा ब्लैक सर्कल दिख रहा है ना, इस पूरे ब्लैक सर्कल के अंदर जो भी जगह है, इसे पल्लवाज नाम के रूलर थे वो रूल किया करते थे। अब ये जो पल्लवा किंग थे ना, ये कहाँ पे बिलोंग करते थे, कांचीपुरम वाली जगह से बिलोंग करते थे, ये इस पूरी जगह को रूल किया करते थे। अब क्या हुआ कि जो ये पल्लवा किंग थे, इन्होंने बोला इतनी सारी जगह को मैं अकेले तो रूल नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ और लोगों की भी ज़रूरत है। तो इन्होंने छोटे छोटे इस जगह के अंदर पार्ट बनाए, एक जगह का नाम था उरुवेयर और दूसरी जगह का नाम क्या था, थंजावुर। तो ये दो जगहों के इन्होंने पार्ट बनाए, और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे इस जगह में, ऐसी बात नहीं है। तो जो उरुवेयर वाली जगह थी ना, इस जगह को कंट्रोल करते थे बेसिकली चोला फैमिली कंट्रोल करती थी, और यहाँ पर चोला फैमिली के अंदर राजा थे विजयाल्य, जो इस जगह को कंट्रोल कर रहे थे। और इस जगह को कौन कंट्रोल कर रहे थे, मुत्तुवेयर इस जगह को कंट्रोल कर रहे थे, थंजावुर वाली जगह। अब क्या होता है, ये लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं इस जगह को, ये किसके अंडर हैं, पल्लवा किंग के अंडर हैं। तो ये क्या हुए, पल्लवा किंग के सबऑर्डिनेट या समंत भी बोल सकते हैं हम लोग, समंत बोलेंगे ना। तो किंग के साथ ये किंग की हेल्प कर रहे हैं रूल करने में। विजयाल्य जो कि उरायूर नाम की जगह को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें लगता है अरे यार
अब तो मेरे पास आर्मी भी बहुत पावरफुल हो गई है, क्यों ना मैं इस थंजावुर वाली जगह पर भी अपना कब्जा जमा लूं। ये ऐसा ही करते हैं, अटैक कर देते हैं थंजावुर पे। और थंजावुर को उस समय कौन कंट्रोल कर रहे थे? मुतायर। तो ये लोग विजयाल्या को नहीं हरा पाते हैं और फाइनली विजयाल्या थंजावुर वाली जगह को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लड़ाई होती है इन दोनों में और फाइनली विजयाल्या इस जगह को भी जीत जाते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। थंजावुर वाली जगह को कौन कंट्रोल कर रहा था? विजयाल्या। विजयाल्या ने इस थंजावुर वाली जगह में बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाए। विजयाल्या के बाद जो उनके बच्चे थे यानी कि जो उनके सक्सेसर थे, उन्होंने भी और बहुत सारी जगहों पे हमला करा और उन्हें अपने कब्जे में लेकर आए। जैसे कि आसपास की जो नेबरिंग जगह थी, पांड्यान, पल्लवा, इन सब रीजन्स के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल जमाया। तो मोस्ट पावरफुल जो हमें चोला रूलर देखने को मिलते हैं वो थे राजा राजा वन। राजा राजा वन के बाद जो उनके बेटे थे राजेंद्र वन, ये भी एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे। आपको यकीन नहीं होगा इन्होंने क्या करा था। आसपास वाली इस पूरी जगह पे तो अपना कंट्रोल बना ही लिया था, राजा राजा वन ने ही बना लिया था। तो उसके बाद राजेंद्र ने क्या करा, राजेंद्र ने आसपास की और भी जो कंट्रीज थी उनके ऊपर भी हमला कर दिया। उस समय तो ये कंट्रीज थी नहीं, जैसे श्रीलंका वगैरह, वहां पर भी अपना कंट्रोल लिया है। मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक बोट्स बना बनाकर ये पहुंच गए थे, अटैक कर दिया था और उस जगह पे भी अपना कंट्रोल कर लिया था। तो वाकई में जो चोला एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा था। यहां पर आप मैप के अंदर देख सकते हो कि कितनी सारी जगहों को राजेंद्र वन ने कंट्रोल किया था। पता है उस जमाने में इन्होंने शिप्स बना बना के इन जगहों पे अटैक किया था और अपना कंट्रोल जमाया था। इतनी सारी इंपॉर्टेंट जगहों पे कंट्रोल करने के साथ में इन्होंने गंगा वाले रीजन पे भी अपना कंट्रोल बनाया। इस वजह से इन्हें एक स्पेशल टाइटल दिया गया था जिस टाइटल का नाम था गंगाईकोंडा चोला, मतलब वो राजा जिसने गंगा वाले रीजन पे भी अपना कंट्रोल जमा लिया। अब इनके समय में कौन कौन से, मतलब चोला एम्पायर के समय में कौन कौन से हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं हम जानते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट टेम्पल हैं थंजावुर के और गंगाईकोंडा चोलापुरम के, वो राजा राजा ने बनवाए और राजेंद्र ने बनवाए थे। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर हमें स्कल्पचर और आर्किटेक्चर मार्वल देखने को मिलते हैं। अब आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? अगर आप इन टेम्पल्स के डिज़ाइन को देख रहे हो, इनका आर्किटेक्चर देख रहे हो, आप सोचो अभी भी हमें ये लगेगा कि भाई इनको बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने उस समय में बनाए थे जब ज़्यादा मशीन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी। इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन, इतना सुंदर टेम्पल कि आप सोच ही नहीं सकते। तो इनका जो आर्किटेक्चर था वो वाकई में बहुत अच्छा था। अब ये जो चोला टेम्पल्स हुआ करते थे ना, ये और लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल होते थे और लोग यहाँ पर क्या क्या करते थे ये भी हम लोग जान लेते हैं। अरे भैया, लेकिन ये जानने की क्या ज़रूरत है? टेम्पल के अंदर तो लोग पूजा करने ही आएंगे ना। नहीं मोटूलाल, यही तो गलती करते हैं हम लोग। टेम्पल्स के अंदर उस समय लोग सिर्फ पूजा करने ही नहीं जाते थे, कुछ लोग तो इस आर्किटेक्चर को देखने के लिए भी जाते थे। कुछ लोग, जैसे हम लोग संडे का दिन होता है तो सोचते हैं अरे यार आज तो संडे का दिन है, आज मूवी देख लेते हैं। तो उस समय मूवी हॉल वगैरह तो होते नहीं थे, तो कुछ लोग सोचते थे कि चलो टेम्पल को ही विजिट कर लेते हैं। उस समय जो टेम्पल्स हुआ करते थे ना, उसके अंदर बहुत अच्छे नृत्य यानी कि डांस भी कुछ परफॉर्मर्स परफॉर्म किया करते थे। अब इन सारी चीज़ों की वजह से जो टेम्पल के आसपास लोग रहते थे उन्हें बड़ा फायदा होता था। कैसे? मान लो टेम्पल के आसपास कोई इंसान फूल माला बेच रहा है, अब जो टेम्पल घूमने आएगा वो उनसे फूल माला ले लेगा, तो उनकी कुछ कमाई हो गई, है ना। अब टेम्पल के आसपास किसी ने कुछ खाने पीने का सामान बेचने का सोचा, तो अगर कोई टेम्पल के अंदर जाएगा तो उसके खाने पीने की कमाई होगी, है ना। टेम्पल के आसपास की जो जमीन थी उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था। टेम्पल से भी बहुत ज़्यादा जो अर्निंग हुआ करती थी, उन सारी अर्निंग्स का और जो आसपास की जमीन से जैसे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करे, उन सब का यूज़ कहाँ पर होता था? जो भी टेम्पल का ध्यान रखते थे लोग, वो लोग उस चीज़ को यूज़ करते थे। जैसे प्रीस्ट, जो भी यहाँ के पुजारी हो गए, तो जो टेम्पल के अंदर से पैसा वगैरह आता था, जो लोग मान लो खाने पीने की चीज़ें कुछ टेम्पल के अंदर देखे जाते थे, वो सब प्रीस्ट अपने काम में ले लेते थे। प्रीस्ट अकेले ही नहीं उन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, और भी लोगों को दे देते थे। जैसे जो गारलैंड बनाता था, जो माला वगैरह बनाते थे, जो कुक होते थे टेम्पल के, स्वीपर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, इन सब में जो भी टेम्पल की चीज़ें लोग दान करते थे उन्हें बांट लिया करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि सिर्फ टेंपल के अंदर लोग पूजा करने ही नहीं जा रहे, टेंपल एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल हब भी बन गया है। इकोनॉमिक कैसे, जो भी इंसान यहाँ पर आ रहा है घूमने के लिए वो कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है, तो पैसा यहाँ से एक जनरेट हो रहा है, टेंपल से पैसा कमाया जा रहा है। सोशल, लोग मतलब घूमने के लिए आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं मतलब एक सोशल प्लेस हो गया, कल्चरल प्लेस हो गया, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। तो आप समझ गए होगे आई होप ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की और इरिगेशन की। एग्रीकल्चर का तो मतलब भैया खेती बाड़ी होता है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन को वैसे तो हम लोग हिंदी में सिंचाई बोलते हैं, बट इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमने जब क्रॉप्स ग्रो करे, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करते समय हम लोगों को उन्हें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। तो चोला एम्पायर के समय क्रॉप्स को ग्रो कैसे किया जाता था, मतलब एग्रीकल्चर कैसे किया जाता था, और उनको पानी कैसे दिया जाता था, मतलब इरिगेशन कैसे होता था? तो देखो आप ध्यान देना, ये जो चोला एम्पायर है यहाँ पर हमें एक रिवर दिख रही है। अब ये जो रिवर है चोला एम्पायर के अंदर, दिस इज कावेरी रिवर, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ये जो कावेरी रिवर है इसकी ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, कावेरी रिवर ये तो डार्क ब्लू में, और इसकी ब्रांचेस मतलब इसके छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे पेड़ होता है ना उसकी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही इसके छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे जो कि लाइट ब्लू कलर में है। ये ब्रांचेस वाकई में बहुत ही यूजफुल थी। यूजफुल कैसे थी कि लोग खेती बाड़ी करते थे, मान लो कोई यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा है तो इस वाली ब्रांच से पानी ले लिया, कोई यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा है तो वो इस वाली ब्रांच से पानी ले लिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कावेरी रिवर एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। अब ये जो वाटर हमें मिलता था कावेरी रिवर से, इसी की हेल्प से लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर पाते थे, और स्पेशली यहाँ पर लोग राइस की कल्टीवेशन करते थे। बहुत सारा एरिया जो फॉरेस्ट वाला था, मतलब आसपास में कहीं जंगल वाली जगहें भी थी, उनको भी लोगों ने काट कर वहाँ पर भी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, वहाँ पर भी क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर कुएं भी खोदे, कुछ लोगों ने टैंक्स भी बनवाए। अब टैंक्स को क्यों बनवाए? जिससे कि रेन वाटर मतलब कभी भी बारिश हो तो बारिश का पानी भी वो लोग कलेक्ट कर पाए। अब हम समझते हैं कि जो चोला एम्पायर था उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इस एम्पायर का। चोला एम्पायर के अंदर पानी की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से बहुत सारे पीजेंट्स मतलब कि खेती बाड़ी करने वाले लोग, फार्मर्स वगैरह जिनको उर बोलते हैं, यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर आके अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने लगे, क्योंकि यहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता था। तो वो लोग भी प्रॉस्परस यानी कि पैसे वाले होने लगे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर कर पा रहे थे, अपनी क्रॉप्स को पानी दे पा रहे थे और खूब सारे पैसे कमा रहे थे क्रॉप्स को सेल करके। अच्छा आप लोगों ने लड्डू खाया होगा, लड्डू क्या बनता है? छोटी छोटी बूंदी से मिलके एक बड़ा सा लड्डू बनता है ना? तो जो चोला एम्पायर था ना, वो चोला एम्पायर बहुत ही बड़ा होता जा रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस को मिलाकर क्या बनाया गया? नड्डू। अब नड्डू की मदद से क्या होता था कि बहुत सारे विलेजेस को एक साथ कंट्रोल करना आसान हो जाता था। तो यहाँ पर नड्डू को कंट्रोल कौन करते थे? नड्डू को रिच लैंड ओनर्स या फिर इम्पॉर्टेंट रिच पीजेंट्स जो हो गए, स्पेशली वल्लेल कास्ट के जो लोग हो गए, उनको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता था नड्डू। नड्डू क्या था? नड्डू वॉज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस एक साथ आ गए तो उन्होंने क्या बना दिया? नड्डू। अब नड्डू और जो विलेज वाले लोगों के, ये लोग मिलके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वगैरह परफॉर्म किया करते थे, मतलब कोई भी काम हो गया, कोई भी रूल बनाना हो गया, कोई भी रेगुलेशन बनाने का काम हो गया, ये सारा काम ये लोग मिलके किया करते थे एक साथ। जो चोला किंग थे उन्होंने कुछ रिच लैंड ओनर्स को टाइटल भी दिए थे, ठीक है, विलन और पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स। अब ये नाम देखो भाई, ये नाम तो मतलब कौन बच्चा प्रोनाउंस करता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना क्या नाम है भाई, ये तो नाम प्रोनाउंस करना ही इम्पॉसिबल है। अरियर यानी कि चीफ, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे नाम दिए जाते थे, टाइटल्स दिए जाते थे। स्पेशली टाइटल्स आप ऐसे समझो जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर बोल दिया, डॉक्टर किसको बोलते हैं हम लोग? जो डॉक्टर है भाई। इंजीनियर, इंजीनियर किसे बोलते हैं? जो इंजीनियर है। टीचर, टीचर कौन है? जो पढ़ाता है। तो ऐसे ही टाइटल्स दे दिए जाते थे उस समय, जिससे कि उन लोगों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट और उन्हें भी लगे कि हाँ हमें इंपॉर्टेंट ऑफिस दिया हुआ। इनको ट्रस्ट भी करा जाता था इंपॉर्टेंट ऑफिस के साथ कि हाँ ये अच्छा ही काम करेंगे। ब्राह्मण्स को ऑफन क्या दिए जाते थे? लैंड ग्रांट्स, ठीक है, लैंड ग्रांट्स दे दी जाते थे, जमीन दे दी जाती थी दान में। ऐसा क्यों होता था आपको पता है? क्योंकि ब्राह्मण्स क्या लिखने का काम करते थे? ब्राह्मण्स प्रशस्तीज लिखने का काम करते थे, ऐसी कॉपर की प्लेट्स पे राजा के बारे में लिखने का काम करते थे।
तो राजा को लगता था भाई मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखें। अच्छा क्यों लिखेंगे, जब ब्राह्मण्स को वो कुछ लालच दे देंगे, ब्राह्मण्स को बोल देंगे कि हम तुम्हें लैंड ग्रांट देंगे, तो ब्राह्मण्स इस वजह से ऐसे प्रशस्ति इसके अंदर अच्छा अच्छा लिखते थे, तो उन्हें ऑब्वियसली लैंड ग्रांट्स मिला करते थे। अब जो भी ग्रांट किसी भी ब्राह्मण को दिया गया, मतलब कोई भी जमीन अगर ब्राह्मण को दी गई है, उसका पूरा ध्यान एक असेंबली या फिर सभा रखती थी कि किस तरीके से उसको जमीन मिल रही है, वो उस जमीन का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मान लो राजा ने कुछ ब्राह्मण्स को जमीन दे दी, वहां पर उन्होंने अपनी आर्मी तैयार कर ली और राजा के ऊपर ही अटैक कर दिया, तो इस चीज का भी ये लोग बहुत ध्यान रखा करते थे। यहां पर क्या होता था, स्पेशली एक सभा होती थी जो इन सारी चीजों को देखती थी, और ये असेंबलीज काफी एफिशिएंटली वर्क करती थी। इनके जो भी डिसीजन होते थे वो काफ़ी अच्छे से इंस्क्राइब करे जाते थे, इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखे जाते थे। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन कहाँ पर करी जाती थी, मतलब ये डिटेल्स लिखी कहाँ पर जाती थी, उस समय पेपर वगैरह से ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे इन डिटेल्स को लिखना स्टोन वॉल्स पे, टेम्पल की जो होती थी ना वॉल्स, उनके ऊपर लिख दिया करते थे। अभी भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागाग्राम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। तो कुछ मतलब ट्रेडर्स वगैरह भी क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे टाउन में। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर यही आ गया कि टाउन के अंदर आपको ये देखना हो गया कि टाउन के अंदर अच्छे से पानी आ रहा है, मिल रहा है लोगों को या नहीं मिल रहा, लोग टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, यही सारी चीजें। ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शन हमें उत्रामेरूर जो कि चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में जगह है, वहां पर भी देखने को मिले हैं। इन इंस्क्रिप्शन से, मतलब ये जो दीवार पे लिखे होते हैं ना कुछ निशान वगैरह, इन इंस्क्रिप्शन से हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया कि भाई उस समय में जो सभा होती थी, जो मीटिंग्स वगैरह होती थी, उनके अंदर चीजें कैसे वर्क किया करती थी। तो उस समय जो सभा थी ना, वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करते थे, बहुत ही अच्छे से काम करते थे वो लोग। वो क्या करते थे, जैसे पानी की देखरेख के लिए कुछ लोगों को ड्यूटी दे दी, गार्डन की देखरेख के लिए कुछ लोगों को ड्यूटी दे दी, टेम्पल की देखरेख के लिए कुछ लोगों को ड्यूटी दे दी, ऐसे हर एक इंसान की ड्यूटी बांट दी जाती थी। ठीक है, और अगर कोई भी अच्छे से काम नहीं करता था तो उसको वहां से निकाल भी दिया जाता। तो ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका था और काफी अच्छे से ये लोग काम कर रहे थे। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ दिस कमेटी, अगर कोई इस कमेटी यानी कि सभा का मेंबर बनना चाहता है तो उनका नाम एक छोटी सी पाम लीफ पर लिखा जाता था, पाम लीफ के ऊपर लिखा जाता था, एक पत्ती के ऊपर लिखा जाता था उनका नाम। और ये जो ये जितनी भी टिकट्स थी, इन्हें क्या करते थे, एक मिट्टी के घड़े के अंदर रख देते थे, और फिर एक यंग बॉय उस मिट्टी के घड़े से इन टिकट्स को, यानी कि इन पाम लीव्स की जो पत्तियां हैं, चिट्स हैं, इनको उठाते थे और नाम बता देते थे। तो उस तरीके से कमेटी के मेंबर्स डिसाइड होते थे। तो बहुत ही सिंपल तरीका था ये, जैसे हम लोग करते हैं, टीम बांटते हैं ना, पर चिट्स बना ली और फिर चिट्स उठाई, जिस जिसने वो उस उसकी टीम में चलेगा। तो इस तरीके से ही उस समय ड्यूटीज डिवाइड होती थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हमारा पूरा चैप्टर है, और स्पेशली जो चोला एम्पायर था उसके बारे में जानकर बहुत ही आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा। तो अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो चोलास थे, ये कौन थे, किस जगह को ये शुरू में कंट्रोल किया करते थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इस चैप्टर के, अगर आपको नोट्स चाहिए। अब नोट्स के अंदर देख सकते हो कि काफ़ी चीज़ें बहुत ही आसान है, जैसे समंत वाला जो टॉपिक है, इस डायग्राम को देख के ही आपका क्लियर हो जाएगा। चोला एम्पायर की जो स्टार्टिंग हुई है, बिगनिंग हुई है, ऐसा आपको डायग्राम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें इजीली और कहीं से समझ में नहीं आएंगी, यहाँ पर मैंने नोट्स में लेकिन ये दी हुई है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ऐसे दे रखे हैं मैंने, ठीक है, तो ज़्यादा आपको बुक से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको बुक का तो हमें पूरा कवर करा ही है, लेकिन साथ में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको नोट्स के अंदर दे दिए। तो अगर आपको नोट्स चाहिए या सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर क्या होता है, देखो अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स टीचर नहीं देते, चैप्टर के बीच से देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं जो चैप्टर के बीच से आएंगे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर के अंदर हमने डाले हैं। तो अगर आपने सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया, ठीक है, नोट से आप रिवाइज कर सकते हो, सैंपल पेपर को सॉल्व कर लिया तो फुल मार्क्स आना तय है आप, ठीक है, इट इज़ माय गारंटी कि आप फुल मार्क्स लेकर आ जाओगे, ठीक है, साथ ही में आपको शाउट आउट भी मिलेगा। तो मेंबर बनना कैसे है, और क्या सिर्फ हमें इसी चैप्टर के सैंपल पेपर और नोट्स मिलेंगे, नहीं, आपको आपकी बुक के क्लास सेवेंथ के साइंस के कंप्लीट सैंपल पेपर नोट्स, क्लास सेवेंथ की एसएसटी की जितनी भी आपकी ये बुक्स हैं, तीनों बुक्स हैं,
हिस्ट्री की, सिविक्स की, ज्योग्राफी की, इन तीनों के नोट्स और सैम्पल पेपर, ठीक है, और साथ ही में आपको इंग्लिश के ग्रामर के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो आप तीन चीज़ें देख रहे हो, कवर हो रही हैं इसमें। तो आपको मेंबर बनना कैसे है, सबसे पहला ये सवाल आया होगा आपके दिमाग में। सब्सक्राइब करो सबसे पहले चैनल को, उसी के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आपको मेंबर बनना है। तो मेंबर आप ज़रूर बनो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो।